दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। खंड शिक्षा अधिकारी ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर वीईओ के लिए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पूरा वीडियो बहुत ही ध्यान से देखिए। यदि वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर भी करें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस रेड कलर के बटन क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बगल में ही आपके बेल आइकॉन होगा, जब आप इसे ऑन करते हैं तभी मेरे नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाती है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कितने प्रतिशत लोग कामगार हैं? तो उत्तर प्रदेश में 32.9% लोग कामगार हैं। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय कितनी है? तो उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय है 33,269। उत्तर प्रदेश में कितने व्यापार कर जोन हैं? उत्तर प्रदेश में कुल 20 व्यापार कर जोन हैं। उत्तर प्रदेश में वैट कब से लागू किया गया? उत्तर प्रदेश में वैट 1 जनवरी 2008 को लागू किया गया। उत्तर प्रदेश के कितने तीर्थों में महानिदेश लागू है? उत्तर प्रदेश के 19 तीर्थों में महानिदेश लागू है। अगला क्वेश्चन, सीरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का कौन सा स्थान है? सीरा उत्पादन में उत्तर प्रदेश का प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सीरे से अल्कोहल बनाने हेतु कुल कितनी डिस्टिलरीज हैं? 60। उत्तर प्रदेश में मनोरंजन कर का कितना प्रतिशत भाग सिनेमा हॉल से प्राप्त होता है? उत्तर प्रदेश में मनोरंजन कर का 49% भाग सिनेमा हॉल से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? राज्य योजना आयोग का गठन कब किया गया? 1971। जिला योजना समिति का गठन कब किया गया? तो जिला योजना समिति का गठन 1999 में किया गया। 11वीं पंचवर्षीय योजना में उत्तर प्रदेश की आर्थिक विकास दर क्या थी? आर्थिक विकास दर थी 7%। उत्तर प्रदेश को कितने आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है? उत्तर प्रदेश को 4 आर्थिक क्षेत्रों में बांटा गया है। पूर्वांचल निधि योजना को उत्तर प्रदेश में कब से चलाया जा रहा है? कब से चलाया जा रहा है? ये चलाया जा रहा है 1990 से 91। अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो बुंदेल विकास निगम की स्थापना ये की गई थी 2008 में। सीमावर्ती विकास योजना कब से चलाई जा रही है? सीमावर्ती विकास योजना ये चलाई जा रही है 1998 से 99। राष्ट्रीय सम विकास योजना में कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? कौन सा जिला सम्मिलित नहीं है? मिर्जापुर जिला सम्मिलित नहीं है। 17वां क्वेश्चन, राष्ट्रीय सम विकास योजना कब से चलाई जा रही है? तो राष्ट्रीय सम विकास योजना ये चलाई जा रही है 2002-2003 से। अगला क्वेश्चन देखिए, देश के सकल घरेलू उत्तर प्रदेश की भागीदारी 9.4% है। कारण आर है, देश के कुल निर्यात में उत्तर प्रदेश की भागीदारी 66% है। तो देख सकते हैं यूपी पीसीएस मेंस 2009 का क्वेश्चन है, ये आंसर आपका तीसरा वाला हो जाएगा, ए सही है परंतु आर गलत है। तो देखिए जो आपका कथन जो ए है ये सही हो जाएगा, आर गलत हो जाएगा। ओके, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को आय का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? यूपी पीसीएस मेंस 2003-4 और 5 में पूछा जा चुका है। उत्तर प्रदेश सरकार को आय का सबसे बड़ा भाग ये प्राप्त होता है सामान्य व्यापार से। यूपी बीसीएस मेंस 2002 का क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को कुल आगम प्राप्तियों में लगभग 55% प्राप्त होता है व्यापार कर से। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2004 और 5 में उत्तर प्रदेश के कुल कर उपागम में अप्रत्यक्ष करों का योगदान कितना था? यूपी पीसीएस प्री 2005 का क्वेश्चन है, वर्ष 2004-5 में उत्तर प्रदेश के कुल
76% उपागम अप्रत्यक्ष करों का योगदान था। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार के कुल कर आगम में प्रत्यक्ष करों का अंश क्या हुआ था? बढ़ा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सितंबर 14, 2011 को निश्चित किए गए नए आवास नीति के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभग्राही वे व्यक्ति होंगे जिनकी मासिक आय होगी। यूपी लोअर प्री 2009 का क्वेश्चन है ये। आंसर हो जाएगा आपका पहला 5,000 तक। फिलहाल ये क्वेश्चन पूछे नहीं जाएंगे, इसको छोड़ देते हैं, क्योंकि इस टाइम योगी सरकार है, तो योगी सरकार में जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे योगी सरकार में ही पूछे जाएंगे। चलिए फिलहाल देख लेते हैं, वित्तीय वर्ष 2010-11 में भारत के कुल सकल घरेलू उत्पाद व अन्य राज्यों की तुलना में उत्तर प्रदेश का योगदान था, कितना योगदान था? द्वितीय सर्वाधिक। यूपीपीसीएस मेंस 2010 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही है। यूपीपीसीएस मेंस 2006 का क्वेश्चन है। उत्तर प्रदेश में रेल कोच फैक्ट्री की स्थापना की जा रही थी रायबरेली, जो कि हो चुकी है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की SGDP प्राथमिक सेक्टर का योगदान है। यूपीपीसीएस मेंस 2005 का क्वेश्चन है ये। 34.9%। उत्तर प्रदेश में किस पंचवर्षीय योजना में कृषि विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? 10वीं। कारण ए में, सॉरी कथन ए में है, उत्तर प्रदेश मूलतः एक कृषक राज्य है। कारण आर में है, उसके कुल मुख्य कर्मियों में 66.03% कृषि कार्य करते हैं। आंसर मैं क्लियर कर देता हूं, आंसर आपका पहला हो जाएगा ए, और दोनों सही हैं, ए और आर दोनों सही तथा आर ए की सही व्याख्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, निम्नलिखित में से किस आर्थिक क्षेत्र में कृषि जोतों का आकार सर्वाधिक है? बुंदेलखंड। 1991 2001 के दौरान सकल राष्ट्रीय उत्पाद में उत्तर प्रदेश का योगदान घटा 5% घटा। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से अपना उत्तर चुनिए। तो आंसर मैं क्लियर कर देता हूं, देखिए आंसर आपका जो आपका तीसरा आंसर ए एवं बी सही हैं। देखिए ए में क्या है, प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति राष्ट्रीय आय में अंतर निरंतर बढ़ रहा है, ये सही हो जाएगा। संपूर्ण देश की तुलना में कुल कर्मियों में कृषकों का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में अधिक है, ये भी सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के बारे में क्या असत्य है? उत्तर प्रदेश के बारे में क्या असत्य है? चौथा वाला जो ऑप्शन आपका है ये सही हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की साक्षरता में देश की तुलना में तीव्र वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन देखिए, पेट्रोल में कितने प्रतिशत पावर अल्कोहल मिलाकर गैस हॉल तैयार किया जाता है? 5%। राज्य में अर्थव्यवस्था की निम्न विकास दर का एक कारण नहीं है, एक कारण नहीं है बचत की कमी। 11वीं पंचवर्षीय योजना का प्रमुख उद्देश्य राज्य में किसका विकास करना था? कृषि का भी, अवसंरचनात्मक विकास, दोनों सही हो जाएंगे। सॉरी यार, थोड़ा सा फीवर आने के कारण थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है वीडियो बनाने में। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के केंद्रीय आर्थिक क्षेत्र में कितने जनपद शामिल किए गए हैं? कितने जनपद शामिल किए गए हैं? 10। 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए कुल कितना व्यय प्रस्तावित है? 3,61,000 करोड़ रुपए। अगला क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना में कितने प्रतिशत औद्योगिक विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 11.2%। आज स्वास्थ्य में कुछ गड़बड़ी होने के कारण आज मैं आपको जल्दी जल्दी क्वेश्चन करा दे रहा हूं। अगले वीडियो में कोशिश करूंगा कि मैं आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझा सकूं। अगला क्वेश्चन, 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक कितने प्रतिशत साक्षरता का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 85%। अगला क्वेश्चन,
राज्य में 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कितने प्रतिशत ग्रामीण परिवारों को विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है? 60%। राज्य में 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कुल प्रस्तावित व्यय का कितना प्रतिशत भाग आर्थिक क्षेत्र के विकास पर खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 59.3%। अगला क्वेश्चन, राज्य में 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत कुल प्रस्तावित व्यय का कितना प्रतिशत भाग सामाजिक क्षेत्र के विकास पर खर्च करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 40.7%। 48वां क्वेश्चन, राज्य में किस योजना का उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन तथा आधुनिकरण था? छठवी, उत्तर प्रदेश में राज्य कर परिषद का गठन कब किया गया? 2009 में किया गया। 2011 की जनगणना में कितने प्रतिशत लोग प्राथमिक क्षेत्र में नियोजित हैं? 59.3%। उत्तर प्रदेश का कौन सा आर्थिक क्षेत्र सबसे ज्यादा विकसित है? पश्चिमी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, किस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य राज्य में मानव संसाधन का विकास करना था? 8वीं, उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र में साक्षरता प्रतिशत सर्वाधिक है? बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश के किस आर्थिक क्षेत्र का जन घनत्व सबसे कम है? बुंदेलखंड। उत्तर प्रदेश का कौन सा कर विभाग स्वयं वसूली कर राशि का मात्र 1% खर्च करता है? आबकारी कर। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का कौन सा कर विभाग स्वयं वसूली गई राशि का 1% खर्च करता है? आबकारी विभाग। ये मैं आपको बता चुका हूँ। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय की निम्नता के कारणों के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो देखिए, दूसरा वाला जो आपका ऑप्शन है ए बी और सी, ये सही हो जाएंगे, ए बी और सी। अगला क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश के चार आर्थिक क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में फसल सघनता प्रतिशत सबसे अधिक है? पश्चिमी। उत्तर प्रदेश के चार आर्थिक क्षेत्रों में से किस क्षेत्र का भौगोलिक क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है? पूर्वी। 12वीं पंचवर्षीय योजना के तहत राज्य में कितने मेगावाट अतिरिक्त विद्युत सृजन का लक्ष्य रखा गया है? 16,274। राज्य नियोजन संस्थान में कितने प्रभाग के निदेशक बतौर सदस्य शामिल होते हैं? 8। उत्तर प्रदेश राज्य नियोजन संस्थान के तहत कितने प्रभाग आते हैं? 9। उत्तर प्रदेश में ब्यूरो ऑफ स्टेटिस्टिक्स एंड इकोनॉमिक रिसर्च का गठन कब किया गया? 1931। उत्तर प्रदेश राज्य नियोजन संस्थान की स्थापना कब की गई? 1971 में की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, विकास अन्वेषण एवं प्रयोग प्रभाग की स्थापना कब की गई? तो ये की गई 1954 में। अगला क्वेश्चन, राज्य नियोजन संस्थान के तहत प्रतिक्षण प्रभाग की स्थापना कब की गई? ये की गई 1981 में। क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग की स्थापना कब की गई? 1971। नियोजन एटलस प्रतिवर्ष कौन तैयार करता है? क्षेत्रीय नियोजन प्रभाग। दीर्घकालीन योजना प्रभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1971-72। जनशक्ति नियोजन प्रभाग की स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी 1971 में। उत्तर प्रदेश शासन का एजेंडा 195 किससे संबंधित है? ये संबंधित है अस्थापना विकास से। पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इसका गठन किया गया 1977। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, व्यय वित्त समिति का गठन कब किया गया था? ये किया गया 1977। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, कौन सा व्यय व्यय वित्त समिति के समक्ष नहीं रखा जाता है? बाढ़ संबंधित कार्य व्यय। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी के तहत राजस्व विभाग की कितनी सेवाएं आती हैं? कितनी सेवाएं आती हैं? 6। उत्तर प्रदेश जनहित गारंटी अधिनियम कब बना? ये बना था 2011।
उत्तर प्रदेश जिला गजेटियर विभाग की स्थापना कब की गई? 1957। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना कब प्रारंभ की गई? चकबंदी योजना प्रारंभ की गई 1954 में। उत्तर प्रदेश का कौन सा विभाग कर वसूली में तृतीय स्थान पर है? आबकारी विभाग। उत्तर प्रदेश में आबकारी विभाग द्वारा अर्जित राजस्व का कितना प्रतिशत विकास कार्यों में लगाया जाता है? 99%। उत्तर प्रदेश में प्रचलित आबकारी नीति किस वर्ष से प्रभावी है? किस वर्ष से प्रभावी है? 2001, 2002 से। उत्तर प्रदेश में चीनी के अतिरिक्त गन्ने से कौन सा उप उत्पाद प्राप्त होता है? शीरा। उत्तर प्रदेश में उत्पादित अल्कोहल का कितना प्रतिशत भाग उद्योगों द्वारा प्रयुक्त किया जाता है? 67 से 76%। 2014-15 के वित्तीय वर्ष में देसी शराब का प्रोसेसिंग फीस क्या है? इस क्वेश्चन के आने की संभावना फिलहाल तो है नहीं, लेकिन आ भी सकता है, 8,000। देख लीजिए आप लोग, वित्तीय वर्ष 2014-15 में विदेशी मदिरा की लाइसेंस फीस में कितनी वृद्धि की गई है? यह भी नहीं पूछा जा सकता है क्वेश्चन। 15%। अगला क्वेश्चन देखिए, विदेशी शराब की प्रोसेसिंग फीस को बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? विदेशी शराब 8,000। उत्तर प्रदेश में धार्मिक तीर्थ स्थलों के कितने किलोमीटर परिधि में शराब बिक्री पर पूर्ण पाबंदी है? 1 किलोमीटर। उत्तर प्रदेश में कितने राष्ट्रीय महत्व के दिवसों पर शराब बिक्री बंद होती है? शराब बिक्री बंद होती है 4। अगला क्वेश्चन, L1 ब्रांडेड फ्रांसीसी के अनुज्ञापनों की स्वीकृति कौन देता है? तो ये देता है आबकारी आयुक्त। L2 ब्रांडेड फ्रांसीसी के अनुज्ञापनों की स्वीकृति कौन देता है? जिलाधिकारी। संस्थागत वित्त प्रकोष्ठ का गठन कब किया गया? तो ये किया गया 1969। उत्तर प्रदेश संस्थागत वित्त निदेशालय का नाम कब परिवर्तित कर दिया गया? 1990। उत्तर प्रदेश में उत्तम बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने हेतु 2014 के अंत तक कितनी बैंक शाखा खोलने का लक्ष्य रखा गया था? 3,000। कौन सा बैंक प्रतिक्षण संस्थान मॉडल के रूप में स्थापित किया गया है? PNB। वित्त वर्ष 2014-15 के अंतर्गत कितने करोड़ का वार्षिक ऋण वितरण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 1,14,931 करोड़। अगला क्वेश्चन, चालू वित्त वर्ष 2014-15 में कितने किसान क्रेडिट कार्ड वितरण का लक्ष्य रखा गया है? 41,27 लाख। उत्तर प्रदेश के प्रत्येक विकास खंड में कितने करोड़ का ऋण वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है? 10 करोड़। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, महिला समूह से बैंकों को जोड़ने का कार्यक्रम प्रथम चरण में कितने विकास खंडों में प्रारंभ किया गया है? 22। वित्तीय वर्ष 2014-15 में कितने स्वयं सहायता समूह को बैंकों के बचत खाते से जोड़ा गया है? 45,200। उत्तर प्रदेश में स्वर्ण जयंती रोजगार योजना के स्थान पर राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना कब लागू की गई? ये लागू की गई 2014-15। वित्तीय वर्ष 2014-15 में मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के तहत कितनी इकाइयों को वित्त पोषित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया? 4,400। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश सरकार के साहूकार ऋण मुक्ति योजना के तहत मार्च 2014 तक कितने व्यक्तियों को साहूकारों के ऋण से मुक्ति कराएगा? ये भी क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता, फिलहाल देख लीजिए आप लोग, 13,191। उत्तर प्रदेश में मनोरंजन कर का कितना प्रतिशत सिनेमा घरों से आता है? 46%। उत्तर प्रदेश में मनोरंजन कर का कितना प्रतिशत DTH व अन्य स्रोतों से आता है? 54%। उत्तर प्रदेश में मल्टीप्लेक्स प्रोत्साहन योजना कब प्रारंभ की गई? कब प्रारंभ की गई? 2010। वित्तीय वर्ष 2014 में किस हिंदी फिल्म को उत्तर प्रदेश में कर मुक्त नहीं किया गया था? ये इस क्वेश्चन को भी नहीं पूछा जा सकता है, एंटरटेनमेंट दूसरा वाला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, उत्तर प्रदेश में वैट कब लागू किया गया? उत्तर प्रदेश में वैट कब लागू किया गया? 2008। वर्ष 2013-14 में वाणिज्य कर विभाग द्वारा कितनी राशि का राजस्व संग्रहित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया?
40,300 करोड़। वित्तीय वर्ष 2013-14 में जमा राजस्व गत वर्ष से कितना प्रतिशत अधिक था? कितना था? 13.9%। उत्तर प्रदेश में निबंधन प्रणाली कब लागू की गई? कब लागू की गई? 1773। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन, वर्ष 2014-15 में स्टाम्प एवं पंजीकरण विभाग द्वारा कितनी राजस्व प्राप्ति का लक्ष्य निर्धारित किया गया था? 12,900 करोड़ रुपए।